अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसकी हमने रीडिंग कर ली है। आज हम इसकी ग्रामर और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक के ऊपर ग्रामर जो है उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जो आपके पास एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको हम बिल्कुल आखिर में करेंगे। और जो एक्सरसाइज नंबर जो एक्टिविटी नंबर बी है दैट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट इज़ द मैट्रेस ऑन विच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लेप्ट। ये आपके पास बुक्स होंगी, आपने जब ये लेसन अटेंड कर रहे हैं तो आप अपनी किताबें खोल के साथ बैठें ताकि आप साथ साथ निशान कर लगाते जाएं। द मैट्रेस ऑन विच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लेप्ट वॉज मेड ऑफ लेदर स्टफ्ड विद द फाइबर ऑफ डेट ट्री। दिस शोज दैट ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज पुअर, लेड अ सिंपल लाइफ, could not purchase expensive mattress, या was prominent। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट ही लेड अ सिंपल लाइफ। नंबर 2, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट इज। अब एफ्लुएंट का मतलब क्या है? एफ्लुएंट का मतलब है अमीर। तो इसका अपोजिट क्या है? रिच, ब्यूटिफुल, वेल मैनर्ड या पुअर। तो एफ्लुएंट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? पुअर होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत फातिमा ग्रीटेड ईच अदर डैश वे इन द सेम वे, इन द डिफरेंट वे, इन अ सिंपल वे या इन एन एफ्लुएंट वे। द करेक्ट ऑप्शन इज इन द सेम वे। ए ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। नंबर 4, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पॉवरिश्ड इज। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है गरीब। तो इसका करीब तरीन मीनिंग क्या बनता है? विदाउट मनी, विदाउट गुड मैनर्स, हैविंग मनी या हैविंग गुड हेल्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, विदाउट मनी। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज टू मिल्क हिज गोट। के सबक के मुताबिक अल्लाह के नबी जो थे वो अपनी बकरी का दूध निकालते थे। दिस शोज दैट, इसका क्या मतलब है? नंबर ए, द रसूल लाइक द मिल्क ऑफ गोट्स, द रसूल डिड नॉट लाइक मिल्किंग ऑफ गोट्स बाय अदर पीपल, और ह्यूमिलिटी वॉज इजेंशियल पार्ट ऑफ रसूल्स कैरेक्टर, या द रसूल हैड नो सर्वेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, के क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी जो का जो किरदार था उसका आजजी उसका एक ख़ास हिस्सा था, इसलिए अल्लाह के नबी जो है वो अपने सादगी की वजह से अपनी बकरी का दूध खुद निकाला करते थे। उसके बाद वोकैबलरी है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? नुमाया, ठीक है। अच्छा, स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब होता है ज़बह करना। ह्यूमिलिटी आजजी, हम्बलनेस, इसका भी ये मतलब होता है आजजी। डिग्निटरी मुअज़्ज़ज़ आदमी। फॉस्टर दूध पिलाना, ठीक है, फॉस्टर दूध। अच्छा, उसके बाद ये जो राइटिंग है इसमें एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, ये भी मैं आपको इस वर्ड की फाइल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसके बाद लिसनिंग है, इसको भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में ए हमारे पास एक्टिविटी है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ईच सेंटेंस। नंबर 1 इज़ सक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटीरियल नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो मौजूद होती हैं चीज़ें, उनको सिर्फ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। तो सक्सेस, कामयाबी, कामयाबी इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन, इट्स नॉट अ मटीरियल नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शुगर इज़ एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल है, क्योंकि जो शुगर होती है चीनी उसको हम गिन तो नहीं सकते ना। अच्छा, हनी इज़ एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो शहद जो होता है उसको भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि शहद को भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ब्रेवरी इज़ एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट या मटीरियल नाउन। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टेबल्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो टेबल्स जो है ये काउंटेबल नाउन की एक एग्जांपल है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद एक्टिविटी बी इज़ राइट द करेक्ट प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स इन पैरेंथेसिस। दीज persons are protesting against the president. Person से क्या बन जाएगा? persons. The woman, woman A के साथ single होता है, singular होता है, और WOMEN woman जो है that is plural. The woman over there want to meet the manager. My children, child singular और children इसका plural. My children hate eating pasta. The student है तो student का plural होगा students. The students are doing the exercise right now. The fish I bought is in the fridge. ठीक है, तो फिश जो है इसका प्लूरल भी फिश ही होता है।
अच्छा, वेयर डिड यू पुट द नाइफ का प्लूरल होता है नाइव्स, KNIVES, विच वर ऑन द शेल्फ, शेल्फ का प्लूरल होगा शेल्व्स, ठीक है, शेल्व्स, SHELVE, ठीक है, VE, शेल्व्स, ठीक है। अच्छा, नंबर 7, पियानो का प्लूरल होगा पियानोज, पियानोज आर एक्सपेंसिव। उसके बाद द फिनोमिनन है, तो फिनोमिनन का जो प्लूरल है दैट इज़ फिनोमिना, फिनोमिनन सिंगुलर है और इसका प्लूरल है फिनोमिना, दीज फिनोमिना आर नॉट फुली अंडरस्टूड। उसके बाद सी ऑप्शन में सम नाउन्स चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आर्म, आर्म्स, ठीक है, आर्म जो है पार्ट ऑफ बॉडी है और आर्म्स जो है ये वेपन्स को, हथियारों को कहा जाता है। यूज़ बोथ द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स बिलो इन सेंटेंसेज टू शो डिफरेंस इन मीनिंग। तो गुड जो है इसका मतलब होता है अच्छा, और गुड्स सामान को बोलते हैं, वुड लकड़ी, और वुड्स जंगल को बोलते हैं, स्पेक्टिकल मंजर और स्पेक्टिकल्स चश्मे, जो जो ऐनक होती है उसको बोलते हैं, कैरेक्टर किरदार, और कैरेक्टर्स जो लोग होते हैं, नमूने जो होते हैं उनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, मैनर अंदाज और मैनर्स आदात, ठीक है, फोर्स ताकत और फोर्सेस अफवाज को, फौजों को बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डी एक्टिविटी है दैट इज़ आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नाउन फ्रेजेज को आइडेंटिफाई करें। ही विश टू टॉक टू हिज मैनेजर, हिज मैनेजर इसके अंदर नाउन फ्रेज है। द विकेड मैन लव्स गेटिंग पुअर पीपल इन इन टू ट्रबल, तो इसमें द विकेड मैन जो है ये नाउन फ्रेज है। द पुअर मैन वॉन्टेड टू पे बैक एवरी पेनी ही ओड, तो इसमें द पुअर मैन जो है ये नाउन फ्रेज है। ऑल द किड्स वर स्लीपिंग, तो इसमें ऑल द किड्स नाउन फ्रेज है। हॉर्सेज प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, डार्क स्टेबल जो है इसमें नाउन फ्रेज है। उसके बाद एक्टिविटी ई है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ प्रॉपरली फॉर्म्ड नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज के साथ आपने इसको क्या करना है, इसको आपने फिल करना है, ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। जमाल आस्क्ड मी वेयर वॉज हिज वॉलेट, या वेयर हिज वॉलेट वॉज, तो करेक्ट ऑप्शन इज वेयर हिज वॉलेट वॉज, ठीक है। आई कुडंट टेल हिम वेयर वॉज आई, या वेयर आई वॉज, आई कुडंट टेल हिम वेयर आई वॉज, वेयर आई वॉज, ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो हाउ मैनी चिल्ड्रन ही हैज़, या आई डोंट नो हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ही हैव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आई डोंट नो हाउ मैनी चिल्ड्रन ही हैज़। अच्छा, उसके बाद नंबर 4, डैश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ क्लोज वी आर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ क्लोज वी आर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, नंबर 5, अच्छा, डैश वॉज सैड, वट डिड शी से वॉज सैड, और वट शी सेड वॉज सैड, वट शी सैड वॉज सैड, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने चैप्टर नंबर 1 जो था उसके क्वेश्चन आंसर्स हमारे रह गए और राइटिंग वाला पोर्शन रह गया, तो वो मैं आपको इस फाइल से जाके करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट इज मेंट बाय सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। सिंपलिसिटी मीन्स लिविंग अ सिंपल लाइफ एंड ह्यूमिलिटी मीन्स बींग हम्बल, काइंड एंड अफेक्शनेट फॉर द पीपल। वेन समवन लिव्स अ सिंपल लाइफ विद ओनली बेसिक फैसिलिटीज वी कैन से ही इज लिविंग अ सिंपल लाइफ। सिमिलरली वेन समवन इज वेरी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स विदाउट बींग प्राइडफुल ही इज़ फॉलोइंग ह्यूमिलिटी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट डिस्क्राइब इन फ्यू लाइन्स द लाइफ स्टाइल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द लाइट ऑफ द लेसन। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड अ वेरी सिंपल एंड मॉडेस्ट लाइफ, ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड अदर्स एंड नेवर डिमांडेड फॉर अ स्पेशल प्लेस फॉर हिम। ही वुड सिट वेयर एवर द प्लेस वॉज अवेलेबल, ही रिस्पेक्टेड हिज फॉलोअर्स, ही रिस्पेक्टेड यहाँ पे हिज आ जाएगा, ही रिस्पेक्टेड हिज फॉलोअर्स एंड नेवर फेल्ट बैड अबाउट एनी थिंग, ही इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट हाउ कैन द कल्चर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी डू अवे विद द कल्चर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस एंड वेस्ट, कि सादगी का जो कल्चर है वो किस तरीके से जो तकब्बुर का और ज़ाया करने का जो कल्चर है उसको कैसे ख़त्म कर सकता है। अच्छा, आंसर इज दैट इफ़ वी लिव अ सिंपल एंड मॉडेस्ट लाइफ, अगर हम सादा और बिल्कुल आजजी की ज़िंदगी गुजारें, वी विल नॉट बी स्पेंडिंग सो मच मनी और ऑन एक्स्ट्रा, ठीक है, वी विल नॉट बी स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी थिंग्स। वी कैन यूज़ दिस मनी टू हेल्प अदर्स एंड क्रिएट अ बैलेंस ऑफ इकोनॉमी इन द सोसाइटी, बाय दिस वी कैन एंड द कल्चर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस एंड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन विद कॉम्प्रीहेंशन एंड राइट डाउन द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ द पैराग्राफ।
तो लास्ट जो पैराग्राफ है उसका मेन आइडिया है बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके जो सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि प्रॉफिट वाज एंडाउड विद इम्पेकेबल क्वालिटीज़, वी शुड लर्न फ्रॉम द सिंपल लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी कैन एंड द कल्चर ऑफ वेस्ट बाय फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट हाउ डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फॉस्टर सिस्टर। तो इसका आंसर ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिज फॉस्टर सिस्टर वेरी काइंडली। व्हेन शी केम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूड अप, रिसीव्ड हर विद डिग्निटी एंड ग्रेट रिस्पेक्ट, एंड स्प्रेड हिज ऑन शीट एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिट डाउन। दिस शोज द जेनरोसिटी एंड काइंडनेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। उसके बाद जो राइटिंग का पोर्शन था बुक के अंदर, उसमें एक्टिविटी ए थी कि राइट एन यूनिफाइड पैराग्राफ ऑन द टॉपिक प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल, कि जो फ़ख्र है वो हमें मसनूई बनाता है और जो सादगी है वो हमें असली बनाती है। अच्छा, तो इसका आंसर है वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस फ्रॉम क्ले, आर क्रिएशन फ्रॉम क्ले सिंबलाइजेज दैट वी अल्टीमेटली हैव टू डाई एंड बिकम द पार्ट ऑफ सॉयल अगेन, वी शुड लिव अ सिंपल एंड कंटेंटेड लाइफ, सिंप्लिसिटी क्रिएट्स ईज एंड पीस, बाई लिविंग अ सिंपल लाइफ वी कैन गेट रिड ऑफ मैनी साइकोलॉजिकल डिजीजेज लाइक हाइपर टेंशन, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस। प्राइड इज़ वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, इट क्रिएट्स क्लैश बिटवीन पीपल एंड पीपल स्टार्ट हेटिंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ मनी। प्राइड इज़ आर्टिफिशियल बिकॉज मनी इज़ नॉट परमानेंट, सिंप्लिसिटी इज़ रियल बिकॉज अ सिंपल मैन ऑलवेज लिव्स अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो बी एक्टिविटी हमारे पास थी कि राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन, तो इसकी समरी आप इस तरह से लिखेंगे कि दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम हिज लाइफ स्टाइल टू डाइट एंड डीलिंग्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड अ सिंपल एंड हम्बल लाइफ, ही ट्रीटेड एवरीवन विद काइंडनेस, ही डिक्लेयर्ड सिंप्लिसिटी एज पार्ट ऑफ फेथ, ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड अदर्स, हेल्प्ड हिज फैमिली इन डेली टास्क and even participated in battle activities along with his followers. He discouraged pride and boastful behavior and always encouraged his followers to live a simple and contented life. By following the golden principles of the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can eradicate the evils of pride, waste and ostentation. We can only succeed in life if we follow the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa'alihi wasallam. तो आज हमारा chapter number 1 हर लिहाज से complete हो गया। Inshallah, in next video we will start reading of unit number 2, the champions. Channel को ज़रूर subscribe कर लें, अपने class fellows को बताएं, अगर आप teacher हैं तो अपने students को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो वीडियोस हैं इन ये पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।